नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जिस ट्रेन की बात करेंगे वो है अवंतिका एक्सप्रेस, जो मुंबई सेंट्रल से इंदौर तक चलती है। आज हम इस ट्रेन की पूरी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ प्रेस कर दें इस बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मुंबई सेंट्रल से इंदौर तक जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12961, इस अवंतिका एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन को शुरू किया गया था 1 मई 1985 को, जो मुंबई इंदौर को आपस में जोड़ने वाली ट्रेन थी। इस ट्रेन को पहले बम्बई इंदौर सुपरफास्ट के रूप में जाना जाता था, परंतु बाद में इसे अवंतिका एक्सप्रेस नाम दिया गया, क्योंकि अवंतिक मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का एक पौराणिक नाम है और यह शहर भारत की सप्तपुरियों में से एक अवंतिकपुरी है। यह ट्रेन दोस्तों मुंबई सेंट्रल से इंदौर की टोटल जर्नी 830 किलोमीटर को कवर करती है लगभग 14 घंटे और 5 मिनट में। इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे और यह ट्रेन मुंबई से इंदौर के बीच में डेली रन करने वाली एक ट्रेन है, जो हर दिन मुंबई सेंट्रल से खुलकर अगले दिन इंदौर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 18 होल्ट रहते हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB कोच लगते हैं, जिसमें फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर मुंबई से इंदौर तक इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट AC का किराया रहता है 2,850 रुपये, AC 2 टायर का किराया रहता है 1,695 रुपये, AC 3 टायर का किराया रहता है 1,205 रुपये। इन तीनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस्ट फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के कोच का किराया रहता है 455 रुपये, इसमें GST तो नहीं लगता परंतु बाकी के सभी चार्जेस शामिल रहते हैं, और सामान्य क्लास का किराया रहता है 230 रुपये। यह किराया दोस्तों मुंबई सेंट्रल से इंदौर तक का बताया गया है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इस किराए को एक बार आप चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। कैटरिंग संबंधित सुविधाओं में इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को BRC लोको शेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अवंतिका एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों रोजाना शाम 7:10 पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से रवाना होती है। और दोस्तों मुंबई सेंट्रल से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है मुंबई का ही बोरीवली। शाम के 7:45 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद शाम के 7:48 पर यह ट्रेन बोरीवली से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है गुजरात के वापी में रात के 9:32 पर, और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद रात के 9:34 पर यह ट्रेन वापी से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड़ रात के 9:55 पर, और रात के 10 बजे यह ट्रेन वलसाड़ से भी रवाना हो जाती है पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नवसारी रात के 10:35 पर, और 10:37 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सूरत रात के 11:10 पर, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 11:15 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अंकलेश्वर जंक्शन रात के 11:49 पर, और 11:51 पर यह ट्रेन अंकलेश्वर से भी रवाना हो जाती है पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भरूच जंक्शन रात के 12:04 पर,
और 12:06 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है वडोदरा जंक्शन। रात के 1:03 पर यह ट्रेन पहुँचती है वडोदरा जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 1:13 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। वडोदरा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 392 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोधरा जंक्शन रात के 2:31 पर और 2:33 पर यह ट्रेन यहां से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दाहोद रात के 3:33 पर और 3:35 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के मेघनगर में रात के 3:58 पर और 4:00 यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है थांदला रोड 4:09 पर और 4:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बामनिया 4:34 पर और 4:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रतलाम जंक्शन 5:30 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 5:35 पर यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खाचरोद 5:57 पर और 5:59 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन 6:22 पर और 6:24 पर यह ट्रेन नागदा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है उज्जैन जंक्शन 7:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 7:25 पर यह ट्रेन उज्जैन जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। उज्जैन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है देवास जंक्शन 8:19 पर और 8:21 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर जंक्शन 9:15 पर यह ट्रेन पहुँचती है इंदौर जंक्शन और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 830 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी मुंबई सेंट्रल से इंदौर तक जाने वाली अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।